ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। कांग्रेस के विच प्रशांत किशोर खिलाफ उठ रही आवाजा नूं दरकिनार करदे होए कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाल ते पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके प्रशांत किशोर का बचाव किया है। कैप्टन ने आखिया कि पंजाब दे विच पार्टी की जित विच प्रशांत किशोर ते उन्हां दी टीम का अहम योगदान सी। हुशियारपुर के पंगी पुल नेड़े एक बस के पलट जाने करके इस बस के विच सवार एक दर्जन तो वध सवारियां जख्मी हो गई। जानकारी के मुताबिक राजधानी कंपनी की बस सवारियां नूं लैके टांडा तो हुशियारपुर वल जा रही सी। ज्यों ही यह पंगी पुल के नेड़े पहुंची तो ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करते समय यह बस पलट गई। फरीदकोट तो अमृतसर जा रही दीप कंपनी की बस वालों एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारन तो बाद गुस्से में आई भीड़ ने बस की जम के भनतोड़ की। घटना तो बाद बस का चालक फरार हो गया। पुलिस वालों इस मामले की जांच की जा रही है। नंगल के कांगड़ा ग्राउंड में बाबा दीप सिंह जी कबड्डी कप करवाया गया। कबड्डी मुकाबले के अकादमी ओपन वर्ग में बाबा गाजीदास कबड्डी क्लब कनौरी ने पहला स्थान प्राप्त करके 1,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार जितया। बठिंडा जिले के पिंड हर रायपुर के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बीते 6-7 महीनों तो इस पिंड की वाटर सप्लाई पूरी तरह बंद होने करके लोगों को 2 किलोमीटर दूर दूजे पिंड के वाटर वर्क्स तो पानी लिया के गुजारा करना पै रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अज एक बेहद अहम टिप्पणी देंदे हुए कहा कि राम मंदिर का मुद्दा अदालत तो बाद गलबात राही हल कर लेना बेहतर होगा। चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेर ने कहा कि यह मामला धर्म से आस्था नाल जुड़िया होया है ते दोहां पक्षां नूं मिल बैठ के इहदा हल करना चाहिदा है। भोगपुर अधीन पैंदे पिंड कौजा विखे प्रवासी पंजाबी औरत का बेरहमी नाल कतल कर दिता गया। मृतका सुरेंद्र कौर की उम्र 60 साल के करीब सी ते ओह अपने पति किरपाल सिंह नाल फरवरी महीने विच कनेडा तो वापस पिंड परती सी। पुलिस ने इस कतल के मामले की जांच शुरू कर दी है। कॉमेडी शो के इकट्ठे नजर आने वाले कपिल शर्मा ते सुनील ग्रोवर दरमियान हुई लड़ाई दी खबरों तो बाद कपिल शर्मा ने सफाई दी ते इसका सुनील ग्रोवर ने जवाब दिता है। सुनील ग्रोवर ने ट्वीट करके कहा कि हाँ उन्होंने इस लड़ाई झगड़े तो डूंघा दुख पहुंचा है। पछमी बंगाल के वर्धमान जिले में पूर्व सथली शहर में पुलिस ने एक घर तो 18 मनुखी कंकाल जब्त किए हैं। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।